हेलो स्टूडेंट आई एम सारिका साहू असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी सो स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एसोसिएशन एंड फैक्टर ऑफ इंफ्लुएंसिंग सॉलिबिलिटी दैट्स कम अंडर इन सॉलिबिलिटी चैप्टर ओके सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग दिस वीडियो इज़ फॉर बी फॉम थर्ड सेम ओके वी विल स्टार्ट द टॉपिक एसोसिएशन दैट इज कम्स अंडर इन यूनिट वन दैट इज़ सॉलिबिलिटी ओके तो एसोसिएशन uh, के पहले हमने सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये पढ़ चुके हैं हम ठीक है अब देखते हैं जब सॉल्वेशन होता है ठीक है जब सॉल्वेशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है ठीक है ये मिल के वन सोल्यूशन इज ऑकर ये वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनाते हैं ठीक है वन तो मॉलिक्यूल और एक एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है वन सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स इज ऑकर देन जो कंपाउंड होते हैं ठीक है कंपाउंड होते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं एंड आयनिक कंपाउंड होते हैं ठीक है थीके? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ाया है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं दोनों मिलके एक सोलवेंशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है थीके? एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स जैसे कि ग्लूकोज की बात करें नॉन आयनिक कंपाउंड है तो ये एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का एक सॉल्यूट और एक सॉल्यूट से एक सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ पे देखिए ठीक है एक सॉल्यूट से एक सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है वैसे ही आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल एन ठीक है सोडियम क्लोराइड जो है उसके साथ में क्या होता है देखते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड है ठीक है उसके जो सॉल्यूट हैं वो सोडियम प्लस एंड सी एल माइनस में बढ़ जाते हैं तो एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का एक जो एटम था वो एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बना रहा था लेकिन यहाँ पर एक आ, जो सॉल्यूट का जो कंपाउंड है वो आयनिक जो कंपाउंड है वो Uh, दो सॉल्यूट में बढ़ जा रहे हैं सोडियम प्लस एंड सी एल माइनस ठीक है तो अब दो सॉल्यूट हो गए हैं और दो से सेपरेट सेपरेट सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनेगा यानी कि दो सॉल्यूट होने से दो 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 सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनने लगेंगे ठीक है तो उसी तरीके से जो एसोसिएशन है वो ऐसे एसोसिएशन uh, जो है ऐसे आयंस में होता है ऐसे कंपाउंड्स में होता है जो डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में बढ़ जाते हैं ठीक है अब देखते हैं डिफरेंट सॉल्वेशन कौन कौन से होते हैं ठीक है फुल्ली सॉल्वेटेड सॉल्वेंट शेयर्ड और कॉन्टेक्टेड ठीक है तो अब एक बार और देख लेते हैं एसोसिएशन होता कैसे ठीक है हमने सॉल्वेंट लिया ठीक अब उसमें हम आयनिक सॉल्यूट ऐड करते हैं ठीक है तो ऑनिक सोल्यूट ऐड करते ही सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो प्लस एंड माइनस चार्ज में बढ़ जाएंगे ठीक है प्लस वाले अलग एंड माइनस वाले अलग और ये बढ़ जाएंगे ठीक है प्लस माइनस चार्ज में अपने अपने बढ़ जाएंगे फिर सॉल्वेशन होगा ठीक है सॉल्वेशन फिर जो सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसके बाद में यही सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स का बनना एसोसिएशन कहलाता है ठीक है तो इसका देख लेते हैं हम डेफिनेशन द इंटरेक्शन्स बिटवीन द मॉली ऑनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयर सॉल्वेशंस आर फॉर्म्ड ठीक है दैन सो सॉल्वेशन ऑफ ऑइनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज एसोसिएशन ठीक है यही आ जो ऑनिक मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेशन बनना है यही कहलाता है क्या एसोसिएशन ओके नेक्स्ट अब हम फर्स्ट देख लेते हैं फुल्ली सॉल्वेटेड ठीक है फुली सोलवेटेड में क्या होता है देखिए कैटन्स अगर हम की कैटर्स की बात करें तो एक पॉजिटिव चार्ज का सोलेशन बन रहा है एक नेगेटिव चार्ज का सोल्यूशन बन रहा है ठीक है एक सॉल्यूट प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस का सॉल्यूट ठीक है उसके बाद अब देखते हैं इफ़ फुली सोलवेटेड द सोलेंट्स आर डिवाइडेड इन हाफ ऑफ पार्ट्स ठीक है जैसे कि अगर वन थाउजेंड पार्टिकल्स हैं हमारे सॉल्वेंट का तो वो हाफ हाफ़ बढ़ जाएंगे फाइव हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड में ठीक है तो ये हो जाता है फुली सॉल्वेटेड यानी कि एक अगर पीकर में सॉल्वेंट में अगर प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं तो वो जो सॉल्वेंट है वो हाफ हाफ़ में डिवाइड हो जाएगा ठीक है जैसे कि फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड अगर है तो ये आपको कहलाएगा फुल्ली सॉल्वेटेड ठीक है आप बुक की पिक में आपको सेंड करूँगी इससे आप नोट्स बनाएंगे देन नेक्स्ट है सॉल्वेंट शेयर्ड ठीक है तो सॉल्वेंट शेयर्ड में क्या होता है कि सॉल्वेंट्स आर शेयर्ड बोथ सोल्यूट्स ठीक है जो अगर वन थाउजेंड पार्टिकल के हैं तो वो हाफ हाफ डिवाइड हुए थे ठीक है हाफ फर्स्ट वाले में फुल्ली सॉल्वेटेड में अब जो सेकेंड है उसमें सॉल्वेंट से जो है उसमें uh, जो पॉजिट जो सॉल्यूट्स हैं उनके जो सॉल्वेंट हैं वो सेम रहेंगे ठीक है जो उनके सॉल्यूट uh, हैं वो दो पार्ट्स में तो डिवाइड होंगे लेकिन उनके जो सॉल्वेंट है वो सेम होंगे ठीक है देखिए यहाँ पे जो डॉटेड दिख रहा है डॉटेड लाइन अगर वो अलग अलग होते तो बीच में वो डिवाइड होते लेकिन वो बीच में डिवाइड नहीं है एक ही सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूट है वो अलग अलग हो जाएंगे ठीक है सॉल्वेंट्स आर शेयर्ड बहुत सॉल्यूट ठीक है सॉल्यूट दोनों रहेगा लेकिन वो सॉल्वेंट uh, जो है वो सॉल्वेंट्स एक ही रहेगा ठीक है देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन इज सॉल्वेट कॉन्टेक्टेड कॉन्टेक्टेड में क्या होगा वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर हीयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉन्टेक्टेड ठीक है सोल अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है ठीक है uh, तो उसमें uh, क्या होगा कि uh, जो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूट uh, का जो कॉम्प्लेक्स है सॉल्यू सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स है सॉल्यूट का वो एक ही रहेगा और जो सॉल्वेंट सॉल्यूट जो है वो एक ही रहेगा सॉल्वेंट का पूरा मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक है तो एक सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनेगा और दोनों सॉल्यूट जो है वो अलग अलग नहीं होंगे इस बार ठीक है देखिए फर्स्ट वाला जो था उसमें दो सॉल्यू सॉल्यूट के कॉम्प्लेक्स बने थे सॉल्वेंट्स भी अलग अलग हुए थे सेकेंड वाले में सॉल्यूड्स के कॉम्प्लेक्स अलग अलग बने थे लेकिन सॉलवेंट्स एक ही थे इसमें सॉल्यूट्स भी एक ही रहेगा और सॉल्वेंट भी एक ही रहेंगे ठीक है ये तो तीन हो गए इसके अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिब्रिटी ठीक है अब हम पहले ये जान लेते हैं जो सॉलिब्रिटी है वो कितने टाइप्स के होंगे ठीक है सॉलिब्रिटी जो है वो कौन कौन से होंगे ठीक है तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सोलिब्रिटी जो है सॉलिड में होता है ठीक है अगर जो सॉल्यूट सॉलिड अगर सॉल्यूट है तो लिक्विड में ठीक है सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में ठीक है देन गैस सॉल्यूट इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड ठीक है तो ये जो सर लिखे हुए हैं ये सॉलिड लिक्विड गैस ये हो गए ठीक है और यहाँ जो लिखे हुए हैं ये सारे सॉल्वेंट्स हैं ठीक है थीके? तो जनरली जो लिक्विड सॉलिड एंड गैस ठीक है सॉलिड एंड गैस जो है ये नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर ठीक है तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करें अगर तो सॉलिड सॉलिड जो है वो सॉलिड होगा और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट uh, होगा ठीक है तो उस केस में फर्स्ट जो है फैक्टर अफेक्ट जो करता है सॉलिबिलिटी के वो है नेचर ठीक है नेचर कैसा है दोनों का दोनों बोले मतलब सॉल्यूट uh, का और सॉल्वेंट का ठीक है दोनों का नेचर क्या है ठीक है तो फर्स्ट ऑफन अगर केस वन देखें इफ़ सॉल्यूट आर पोलर एंड सॉल्वेंट आर पोलर ठीक है सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो जो सॉलिबिलिटी होगी वो कैसी होगी गुड होगी यानी कि अच्छा सॉलिबल होगा ठीक है सेकेंड अगर देखें इफ uh, सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर है और जो सॉल्वेंट है वो पोलर है तो उसमें सॉलिबिलिटी जो है वो ठीक से नहीं होगी ठीक है वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा ठीक है तो सेम नेचर क्या करेंगे पोलर पोलर के हैं polar -polar के है, तो अच्छे से सॉलिबिलिटी अच्छी होगी और अपोजिट नेचर के हैं तो सॉलिबिलिटी अच्छी नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया ठीक है सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया जो है उसमें Uh, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबलिटी है ठीक है सॉलिबिलिटी जो सॉल्यूट जो है ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा सोल सर्फेज एरिया एब्जॉर्ब करेगा और मोर uh, सॉल्यूबल होगा ठीक है व्हेन सॉल्यूट हैव मोर सरफेस एरिया देन दे एब्जॉर्ब मोर सरफेस एरिया एंड मोर सॉल्यूबल द कॉम्प्लेक्स ठीक है सो सॉलिड सॉल्ट अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर किसी पैन में या कढ़ाई में आप अगर नमक डालते हैं अगर एक साथ बंच में डालते हैं तो वो जल्दी सोलिबल नहीं होगा और अगर आप उसको फैला के डालते हैं चारों तरफ घुमाते हुए डालेंगे तो वो फास्ट मोर एंड ईजिली सॉलीबल हो जाएगा इस इसके कंपैरिजन में फ़ास्ट सोलिबल होगा सरफेस एरिया जो है वो मैटर करता है देन नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर जो फैक्टर है द सब्सटेंसेस प्रोवाइड हीट दे विल भी इजली एंड फास्ट डिजोल्व ठीक है जब किसी सब्सटेंस में हम हीट प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है कि जो नहीं घुलता रहता है वो भी इजली डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है गर्म करेंगे तो जल्दी घुलेगा ओके अब हम देखते हैं जो टेम्परेचर के लिए आ, जो रिएक्शंस होते हैं ठीक है तो एक होता है आपका आ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है तो देखें एक्सोथर्मिक जो होता है ठीक है उसमें क्या होता है एंडोथ एक्सोथर्मिक uh, में दो सब्सटेंसेज आर एग्जिट द ओन टेम्परेचर हीट फ्रॉम सरफेस ड्यूरिंग सॉलिबिलिटी ठीक है तो सॉलिबिलिटी जो है एक्सोथर्मिक में इन्वर्सली uh, प्रोपोर्शनल होती है यानी कि अगर टेम्परेचर हम uh, बढ़ाएंगे तो सॉलिबिटी घटेगी क्यों क्यों क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि घुलने के लिए अपने अंदर से टेम्परेचर हीट को बाहर निकालता है ये ठीक है आ, एग्जो मीनस बाहर ठीक है तो ये क्या करता है जैसे ही डिज़ोल्व होना स्टार्ट होता है अपने अंदर से जो गर्मी है अपने अंदर से जो हीट है टेम्परेचर है उसको वो बाहर के सरफेस में वो बाहर एग्जिट करते हैं ठीक है अपने अंदर के जो आ, हीट है उसको वो बाहर एग्जिट करते हैं ठीक है नेक्स्ट दैट इज़ एंडोथर्मिक ठीक है एंडोथर्मिक में क्या होता है दो सब्सटेंस आर अटैक्ट और यूज द हीट ड्यूरिंग सॉलिबिलिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक 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 uh, में क्या होता है कि uh, ये सॉलिबलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि इसमें टेम्परेचर हम जितना बढ़ाएंगे उतना सॉलिबिटी बढ़ेगी इसका मतलब यह है कि जो जो सब्सटेंसेस हैं जो हीट को अपनी ओर खींचते हैं यानी कि जो जिनको हीट की ज़रूरत पड़ती है ठीक है वो एंडोथर्मिक में आते हैं ठीक है थीके? इसके अच्छे से डेफिनेशन और जो भी नोट्स हैं वो आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगी मैंने जस्ट जस समझाने के लिए आपको बताया है ठीक है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है फैक्टर uh, अफेक्टिंग जो है प्रेशर uh, जो है ठीक है सॉलिड के केस में लेकिन जो प्रेशर है वो uh, कोई काम का नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं ये प्रेशर जो है लिक्विड एंड गैस के केस में काम आता है ठीक है तो अब हम नेक्स्ट अब हम देखते हैं uh, जो सॉलिबिलिटी uh, है liquid, गैस इन लिक्विड ठीक है गैस इन लिक्विड देखते हैं गैस इन लिक्विड में क्या होता है जो फैक्टर फैक्टिंग हैं फर्स्ट हम देख लेते हैं सरफेस एरिया ठीक है तो जो सरफेस एरिया है सरफेस एरिया सरफेस एरिया में क्या होता है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी ठीक है ये भी सेम uh, लास्ट uh, वाले के जैसे ही है ठीक है सेकेंड हम देखते हैं हम टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर में क्या होता है टेम्परेचर जो है गैस uh, के केस में टेम्परेचर को हम जितना बढ़ाएंगे सॉलिबलिटी जो है हमारी कम होती है टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ठीक है कैसे देखते हैं हम एक एक जार ले लेते हैं जो कि टाइटली पैक्ड है ठीक है क्लोज जार है ठीक है ठीक है उसमें क्या है अंदर एक सॉल्यूट भरा हुआ है और सॉल्यूट भरा हुआ है और सॉल्वेंट भरा हुआ है ठीक है तो बोथ आर सेपरेट सो हाउ दे मिक्स इट ठीक है दोनों अलग अलग सेपरेट है तो ये मिक्स कैसे होंगे ठीक है तो अब ये घुलेंगे कैसे ठीक है सॉल्युबल कैसे होंगे ठीक है तो जब दोनों मिक्स होगा अब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा जो इसके एटम्स हैं अणु हैं वो ऊपर की ओर उठेंगे ठीक है तो क्या होगा सोलिबलिटी नीचे अगर आते तो वो सॉल्यूबेंट के साथ में अगर ये एटम्स जो है वो नीचे आते तो इसके साथ में मिक्स होना स्टार्ट होता लेकिन वो तो जैसे ही हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है जो एटम्स हैं वो और ऊपर की ओर चले जाते हैं ठीक है ऊपर की ओर जाते हैं तो सॉलिबिलिटी um, जो है वो घट जाती है वैन द वैन द टेम्परेचर आर अप्लाइड एटम्स आर गोज डायरेक्शन सो द सॉलिबिलिटी आर लेस ठीक है सॉलिबिलिटी घट जाती है इसलिए बोला गया है टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिबलिटी के ठीक है अब नेक्स्ट जो आ, इसमें आ, है वो है फैक्टर जो है वो आ, प्रेशर है ठीक है तो प्रेशर देखिए अब प्रेशर में क्या होता है जो बंद हमारा जो जार था ठीक है ये जो हमारा जार है इसी का ही एग्जांपल अगर हम देखें ठीक है तो क्या होता है कि यहाँ पे हम जब